मुस्लिम फ्रीडम मोर देन एनीवन एल्स बिकॉज़ लव फॉर फ्रीडम फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी जम तेरा एहसान है बिस्मिल्लामान राहीम अल्लाह के नाम से शुरू जो दिलों में नूर भरता है आपकी स्मारतों और बसारतों को फैज का सलाम आई मंच में खुश आमदीद आज की एपिसोड कायद अजम मोहम्मद अली जनाह के नाम उन्नीस सौ तहत्तर में कलकत्ता के इजलास में कायद अजम मोहम्मद अली जनाह ने नौजवानों से खिताब करते हुए फरमाया ए नौजवानों जब आप तरक्की के मनाजर तय कर लेंगे तो आप में इकबाल और जनाह पैदा होंगे मुझे पूरा यकीन है कि आप आपके हाथों में मुस्कबिल महफूज है कायद अजम अली जनाह की शख्सियत और तलीमत के बारे में गुफ्तु करने के लिए आज हमारे साथ एक नामवर शख्सियत मौजूद हैं जो पेशे के अतबार से इंजीनियर हैं और छत्तीस साल इरीगेशन एंड पावर डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब में अपनी ख़िदमत सर अंजाम दे चुके हैं जिनमें सबसे अहम अहदा डायरेक्टर कालाबाग भी शामिल है पाकिस्तान में पानी के मसाइल के बारे में टी वी शोज़ पर जलवा फ्रोज़ होते रहते हैं और प्रिंट मीडिया के लिए भी लिखते रहते हैं नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट में भी खदमात सरंजाम दे चुके हैं इसके साथ आज कल रोटरी क्लब इंटरनेशनल में प्ले आ, सोशल सर्विस खूस के में मसरूफ़ हैं हमारे साथ मसरूफ़ हैं इंजीनियर मुमताज़ अहमद ख़ान साहब असल सर आई एस पी मंच प्रोग्राम में खुश आमदीद मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बानिया पाकिस्तान कायद अजम मोहम्मद अली जना कैसे रहनमा थे बसमल सबसे पहले तो मैं आई एस पी का और खसूस मोहतरमा का और आप बतर हो साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे हज़रत कैद आजम रही जैसी अजीम शख्सियत जिनका पूरी तारीख़ी आलम में बतौर रहनुमा कोई भी शानी नहीं है आपने उस शख्सियत की असमत और उसके मकाम के मतलब मुझे इजार ख्याल की दावत दी है ये मेरे लिए नहत एजाज की बात है जहाँ तक क़ैद एजम रमत की उनकी शख्सियत या कैसे रहनुमा थे सियासी रहनुमा वो तो इसी से साबित है कि कौम ने उनका असल नाम तो मोहम्मद अली जिना था लेकिन कौम ने उनको क़ैद अजम अजीम लीडर का लकब खिताब उन्हें अता किया पूरी कौम ने ठीक है और फिर आप हैरान होंगे कि उनको यानी कि जो कि वो हम, वो तो हमारे क़ैद थे वो पाकिस्तान के खालिक थे हमने तो उनको उनका एहतराम करना है उनको तो एजाज़ बखशना है हकीकत ये है कि उनकी अजमत को गैर भी तस्लीम करते हैं और आप ये देखें कि तहरीक पाकिस्तान या जो इंडिया की आज़ादी की जो तहरीक है उसमें मुसलमानों की तरफ से मोहम्मद जिना और हिंदुओं की तरफ से महात्मा गांधी वो उनके लीडर थे उनके सबसे बड़े रहनुमा थे और सियासी तौर पर वो कैद आजम के सबसे बड़े हरीफ थे कैद आजम जो थे और मुस्लिम लीग वो इस चीज़ की दाई थी दो कौमी नज़रिया की कि हम मुसलमान एक अलग कौम है हिंदू एक अलग कौम है और हमें अपने हक़ के तफ़ के लिए अपने अकायद और जिस दीन के हम पैरोकार हैं उस दीन को अमली शक्ल देने के लिए अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी में नाफ़िज़ करने के लिए हमें अलग वतन की ज़रूरत है ये क़ैद अजम की डिमांड थी मुस्लिम लीग की डिमांड थी इंडिया के मुसलमानों की डिमांड थी उसके अगेंस्ट जो हिंदुओं की जो पार्टी थी कांग्रेस ऑल इंडिया कांग्रेस वो कहती थी कि ये इंडिया जो है भारत ये हमारी मां है जी भारत माता भारत माता कहती है हमारी मां है हम मां के टुकड़े कैसे होने देंगे कत्म भी नहीं होने देंगे और आप ये देखें कि वो ऑल इंडिया कांग्रेस मुस्लिम लीग की बिल्कुल मुखालिफ उनका रज़िया था हाँ जी मुस्लिम लीग पार्टीशन के लिए के हक में थी जबकि वो कहते थे कि पार्टीशन हम कभी नहीं होने देंगे तो जो गांधी था मोहनदास करमचंद गांधी जो अपने आप को हिंदुओं का भी हिंदू कहता था और इस पर फख्र महसूस करता था यानी जो कैद आजम का सबसे बड़ा सियासी मुखालिफ था आप ये सुनकर हैरान होंगे कि वो भी मोहम्मद अली जिना जब कैद आजम को मुखातिब करता था तो वो भी कैद कह आजम कहता था यानी ये रिकॉर्ड की बात है कि उन्होंने गांधी ने जितने भी खतों किताबत की कैद आजम के साथ उसमें मिस्टर कैद आजम लिखे मिस्टर मोहम्मद अली जिना ने लिखा मिस्टर कैद आजम मोहम्मद अली जिना तो ये है उनकी अजमत का सबूत कि उनका जो बदतरीन मुखालफ था सियासी तौर पर उनके मुकाबले में जी गांधी वो भी उनको कह आजम कहकर पुकारता था अच्छा फिर ये वो हो गए उसके बाद जो गैर हैं हिस्टोरियंस ने तारीख़ दानों ने मोहम्मद अली जिना के मुतल कह जा के मतलब जो उन्होंने लिखा है वो मैं सिर्फ आपको दो मिसालें दूंगा ये एक किताब है जिनाह जिना पाकिस्तान ये स्टेनले वॉलर्ट है ये एक हिस्टोरियन है गैर मुस्लिम स्टेनले वॉलपर्ट उन्होंने जिना पर ये किताब लिखी है और इसका जो पहला जो सफा यानी प्रीफेस जो है आप जानते हैं ना किताब का एक प्रीफेस होता है जी वो लिखा जाता तो उसका मैं आपको पहला फिक्र आपको सुनाता हूं कि ये प्रीफेस के ऊपर जो पहला उन्होंने फिक्र लिखा है लिखा है फ्यू इंडिविजुअल्स सिग्निफिकेंटली

जिन्होंने दुनिया का नक्शा तब्दील किया है दुनिया के नक्शे को तब्दील करके रख दिया है हार्डली एनी वन कैन बी क्रेडिटेड विद क्रिएटिंग अ नेशन स्टेट और ऐसा तो कोई शख्स है कोई भी नहीं है कि जिसने एक नेशन स्टेट जो है वो तखलीक की हो मोहम्मद अली जिन्ना डिड ऑल थ्री मोहम्मद अली जिन्ना ये वो शख्सियत जिन्होंने ये तीनों कारनामे संजाम दिए किसी एक ने अगर तारीख का रुख मोड़ा है तो हम उसको कहते हैं कि वो बहुत अजीम इंसान था तारीख में किसी ने अगर दुनिया का नक्शा तब्दील तो किया है तो वो सिर्फ उसी एक काम की वजह से वो अजीम हो गया है और फिर अगर किसी ने नेशन स्टेट तो किसी ने तख्लीक नहीं की लेकिन यह वो शख्सियत थी जिसने ये तीनों काम किए और इसलिए वो कहते हैं कि मैंने इस शख्सियत के ऊपर मैंने इसकी तारीख लिखने की फैसला किया है तो यह पूरी किताब है इसी तरह एक और यह किताब है द ग्रेट डिवाइड ब्रिटेन इंडिया पाकिस्तान एच वी हॉटसन ये एच वी हॉटसन है ये एक और तारीखदार है वारख है हिस्टोरियन है ये और बहुत मशहूर है इन्होंने जो इंडिया की पार्टीशन के ऊपर यह पूरी लिखी है तो इसका एक चैप्टर है टू ग्रेट पर्सनैलिटीज दो अजीम शख्सियतें पूरा चैप्टर है जिसमें उसने गांधी दो की तरफ से गांधी का और मुस्लिम लीग की तरफ थे कैद एजम रहमत इनका मुजना किया है इनका कम्पेरिजन किया है कि बतौर सियासी लीडर ये कैसे थे तो अब मैं क्योंकि आपका वक्त जो है वो बहुत थोड़ा है उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो आपका 25 मिनट इसी में लग जाएंगे लेकिन उसने ये लिखा है कि कैद आजम जो है गांधी जो था गांधी एक एनिग्मा था एक महिमा था उसकी एक एक बात के कई कई मतलब निकलते थे थी। ठीक है यानी वो ऐसा अयार और चालाक इंसान था बहुत काबिल था डाउग। नो डाउट नो डाउट बहुत काबिल था और ऑल इंडिया कांग्रेस के ऊपर उसका मुकम्मल उसका होल्ड था यानी ऑल इंडिया कांग्रेस जो है वो उसकी इशारे के बगैर उसकी मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं कर सकती थी उसका इतना होड था कहते आजम का भी मुस्लिम लीग पर ऐसे ही होड था लेकिन बात यह है कि हती के अंग्रेज भी और हत्या के हिंदू हिंदू में भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि उसको मकार समझते थे उसको अयार समझते थे ठीक है और यही वजह है कि एक आरएसएस राष्ट्रीय एस राष्ट्रीय के एक वर्कर ने गॉड से उसने गांधी को इसी जब कत्ल किया तो ये कहा कि ये बहुत मक्का शख्स ठीक है लेकिन उसके अगेंस्ट कैद आजम मोहम्मद जना ऐसी शख्सियत थे कि जिनके हर बात से सिर्फ वो इतना स्टेट फॉरवर्डर इतने सच्चे थे कि उनकी किसी बात के दो पहलू नहीं थे दो मतलब नहीं थे कोई इबाम नहीं जो बात की है क्लियर की है ठीक है और जो बात एक दफा कर दी है उसके ऊपर डट गए हैं और फिर उन्होंने ये लिखा है कि यह वो शख्सियत थी जो कि किसी भी कीमत के ऊपर बिकने नहीं बिक सकती थी वो इंटेग्रिटी थी उनकी अ मैन ऑफ सुप्रीम इंटेग्रिटी हु को नॉट बी वाट फॉर एनी प्राइस तो ये गैरों ने उनकी अजमत को ये खराज तहसीन पेश किया बिल्कुल सर खाल पाकिस्तान का एहतराम करना हम सब पर फर्ज है सर मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि कायद आजम बहसीत इंसान कैसे थे हाँ देखिए बहसीत इंसान उनकी जो जिंदगी उसके दो पहलू हैं तो बतौर कौमी रहनुमा के एक उनकी अपनी जती जो लाइफ है ठीक है आप यह देखें कि उनकी अजमत यह देखें कि एक वक्त था जब वो मुस्लिम लीग के भी मेंबर थे और कांग्रेस के भी मेंबर थे 1906 से लेकर 1928 तक 22 साल वो कांग्रेस के रुकन रहे ठीक है जी और इस दौरान वो हिंदुओं और मुसलमानों के दरम्यान इतिहाद के सबसे बड़े अलंबरदार थे कांग्रेस की सदर थे मिसेज सरोजनी नायडू वो भी और एक और कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे गोपाल कृष्णा गोखले ये दोनों मोहम्मद अली जीना कैद आजम को कहते थे कि इज यह द एम्बेसडर हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन इंडिया और ये वो 22 साल तक इस कोशिश में रहे कि हिंदू और मुसलमान मुत होकर आजादी हम हासिल करें और हम एक ही मुल्क बनकर रहे मुस्लिम लीग में तो वो 1914 में शामिल हुए बाद में ठीक है लेकिन जब बाद में उन्होंने ये महसूस किया अपनी बाईस साल मेहनत के बावजूद के ऑल इंडिया कांग्रेस जो है या हिंदू जो क़ियादत है वो मुसलमानों के थे कतर मुखलिस नहीं है उनकी बाईस साल कोशिशों के बावजूद भी अब क्योंकि वो अगर उसमें की तफसील में जाएं तो हम तफसील का वक्त नहीं जाने का लेकिन इतना ही बता देना काफ़ी है कि बाईस साल तक वो हिंदू मुस्लिम इतिहाद के लंबरदार रहे जिसको हिंदू भी तस्लीम करते थे लेकिन जब उन्होंने देखा देखा कि कांग्रेस और हिंदू क्यादत जो है वो मुसलमानों को उनके हकूक देने की बजाय अंग्रेजों के जाने के बाद मुसलमानों को ग़ुलाम बनाने का उनका प्रोग्राम है उनका जितना भी प्रोग्राम है वो ये है कि जब अंग्रेज चले जाएंगे, तो यहाँ जो नया निज़ाम अंग्रेज़ देकर जाएगा हम चुके अक्सरियत में हैं हिंदू जो चूँकि अक्सरियत में थे तीन चौथाई थे मुसलमान एक चौथाई थे फिर हिंदू जो थे वो मुसलमानों से तालीम में पचास बरस आगे थे फिर माशी तौर पर भी तमाहर कारोबार में वो मुसलमानों से बहुत आगे थे तमाम मीशत जो थी उनके कंट्रोल में थी ज़मीनें उनके कंट्रोल में थी इदारे उनके कंट्रोल थे जो सर्विसेज थे उनमें जो थे मुसलमान तो दस दस फीसद भी नहीं थे नबे फ़ीसद से ज़्यादा जो थी आ, सरकारी जो इदारे थे उन पर बड़ बड़े बड़े अहदे हिंदुओं के पास थे तो हिंदुओं का ये प्लान था कि जब अंग्रेज ले जाएंगे तो हम चूँकि अक्सरियत में हैं हम ज़्यादा तालीम में आगे हैं हम जो आ, आ, सरकारी इदारे हैं उन पर हमारा कब्जा है मीशत पर हमारा कब्जा है तो हम अब मुसलमानों को अपना कम ही अपना गुलाम बना कर रखेंगे और वो हजार साल की जो तारीख है कि जब जो मुसलमान हम पर हुकूमत करते रहे अब हम उसका बदला लेंगे तो जब कैद आजम रहमत उनको ये यकीन हो गया तो फिर उन्होंने उनकी इंसानी अजमत उनकी शख्सियत की अजमत इससे उन्होंने अपनी जो घरेलू जो जिंदगी थी उनकी जो अल्दवाजी जो जिंदगी थी ठीक है उनकी जब फौत हो गई उनकी तो उन्होंने शादी नहीं की उन्होंने फिर शादी नहीं की उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है वो मुसलमानों के हकूक के लिए और मुसलमानों को अंग्रेजों के बाद हिंदुओं की गुलामी से बचाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उसमें सर्व कर दी और इस दौरान सिर्फ वो नहीं बल्कि हम अगर जिक्र नहीं करेंगे उनकी बहन का मोहतरमा फातिमा जिना का मोहतरमा फातिमा जिना उन्होंने वो थी तो उनकी बहन लेकिन उन्होंने उसको मां की तरह मां की तरह उन्होंने उनकी खिदमत की उनकी केयर की अगर वो ना होती तो कैद आजम पाकिस्तान ना बना सकते लेकिन कैद आजम ने उनकी अजमत आप ये देखें बतौर इंसान के वो तपदिक उस वो तप दिख जो थी एक मोलन बीमारी थी टी बी तो वो टी बी में मुबतला हो गए और डा डाक्ट, उनके डॉक्टर हिंदू डॉक्टर था उन्होंने बताया कि मिस्टर जिना अब आप ज्यादा देर जिंदा तो उन्होंने डॉक्टर को कहा कि खुदा के लिए ये आपने इस बात को अपने तक महदूर राज रखना है क्योंकि अगर हिंदू और अंग्रेजों को पता चल गया कि मेरी उम्र थोड़ी रह गई है तो वो मामले को लटका देंगे और पाकिस्तान नहीं बन पाएगा मुझे अपनी जिंदगी अपनी सेहत की परवाह नहीं है मुझे मुसलमानों के लिए अलग वतन का जो है और मैंने मुसलमानों को अंग्रेजों के बाद हिंदुओं की गुलामी से बचाना है तो इसलिए मैं अपनी जिंदगी अपनी सेहत मुझे परवाह नहीं है जब तक पाकिस्तान नहीं बन जाता उस वक्त तक आप ये राज राज रहने देंगे ये उनकी शख्सियत की अजमत का ये एक है सर बहुत खूबसूरत बात आपने की कि, कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिनार ने अपनी बीमारी को राज रखा और पाकिस्तान के लिए मेहनत जारी रखी गुफ्तु का सिलसिला हम जारी रखेंगे यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे मंच Muslims desire freedom more than anyone else because love for freedom, fraternity and liberty is the lifeblood of their existence. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree-awarding institute in South Punjab region. OSP Munch. You, the Hamiazadi Kedonia, who he had on. A Kaide Azam Terai, his son, his son. You, the Hamiazadi Kedonia, who he had on. Muslims desire freedom more than anyone else because love for freedom, fraternity, and liberty.

सर कायद अजम मोहम्मद अली जिनाह की मोहब्बत जो वतन के साथ थी उसके बारे में आप आगा कर रहे थे आपको कायद अजम के जिंदगी का कौन सा पहलू सबसे ज़्यादा पसंद है देखिए जी जैसे मैंने अभी अर्ज किया उनकी कि जिंदगी के जिस पहलू पर भी आप नज़र डालें बतौर कानून दान बतौर सियासी रहनुमा बतौर इंसान और मैं क्योंकि ये बोलनी है कि जहाँ मैं उनकी अजवाजी जिंदगी के मुताबिक बात करूँ लेकिन बतौर शोहर भी वो एक बहुत अजीम इंसान थे ठीक है लेकिन आपने ये ये सवाल ही किया कि उनकी जिंदगी के किस पहलू को मैं सबसे ज़्यादा सब वो मैं समझता हूँ डिसिप्लिन डिसिप्लिन और हज़रत हजरतम रमत उन्होंने कौम को भी जो पैगाम दिया यूनिटी फेथ डिसिप्लिन इतिहाद यकीन मौकम और डिसिप्लिन ये कौमों को असबत की मजलों की तरफ ये तीन रहन मासूल हैं ठीक है जी अब यूनिटी और फेथ ये तो हमारा एक अलग सा वो है कि कौम के अंदर इतिहाद और इतफाक होना चाहिए और हमें अपने जो जो मकसद है या जो मकसद जिस मकसद के लिए हम ये मुल्क हासिल कर रहे हैं इंडिया को तकसीम का हमने मुतारबा कर रहे हैं हमें अपने इस मकसद दो कौम नजरिए के ऊपर हमारा फेथ और ईमान बहुत मजबूत होना चाहिए ये दो पहलू हो गए तीसरा है डिसिप्लिन उन्होंने फरमाया कि डिसिप्लिन अपने अंदर डिसिप्लिन रखें और उनके आपको मैं डिसिप्लिन की एक मिसाल देता हूं बहुत सारी मिसालें हैं लेकिन एक मिसाल मैं देता हूं कि पाकिस्तान बनने के बाद वो गवर्नर जनरल थे यानी पाकिस्तान के बानी थे मुसलमानों के सबसे बड़े रहनम थे और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल सबसे बड़े लीडर थे वो कौम तो उनको पूछती थी ठीक है तो वो जब गवर्नर जनरल थे वो कराची में वो एक किसी दावत में उनको दावत मिली और वो अपनी गाड़ी में गवर्नर जनरल जनरल की गाड़ी थी उसमें बैठे उनके साथ एडीसी थे उनके गुल हसन बाद में जो पाकिस्तान की फौज के कमांड चीफ जनरल गुल हसन तो उस कैप्टन थे तो वो कैप्टन गुल कैज आजम के साथ गाड़ी में मौजूद थे तो जब गाड़ी मलीर की तरफ जा रही थी तो रास्ते में एक लेवल क्रॉसिंग थी रेलवे फाटक तो वो बंद था ट्रेन आने वाली थी तो ये सबसे पहले कैजा आजम की गाड़ी वहां पहुंची तो वो साथ ही वो फाटक और ट्रेन आ रही थी तो उतने बंद कर दिया गेट कीपर ने तो अभी ट्रेन आपको पता है कि ट्रेन पहले तो ये होता था क्योंकि सिग्नलिंग इतनी नहीं थी तो गाड़ी के आने से 10-15 मिनट पहले बंद कर देते थे तो वो जो ए थे वो गाड़ी से नीचे उतरे और उन्होंने जाकर उसको जो गेट कीपर था उसे कहा कि भाई गाड़ी में गाड़ी तो अभी गाड़ी अभी तो देर है उन्होंने कहा कि गेट खोल दो ये गवर्नर जनरल साहब कैद आजम गाड़ी में बैठे हुए हैं तो उसने गेट खोल दिया जब वो ए वापस आकर उन्हें ड्राइवर को कहा कि गाड़ी चलाओ तो कैद आजम ने मना कर दिया उन्हें कहा जाओ गेट बंद करवाओ जो कानून है इस मुल्क का जो कानून है मैं भी उसका जितना कि कोई और शख्स उसका पाबंद है कानून का मैं भी उतने ही पाबंद हूं अगर आज मैं ये कानून तोड़ूंगा कि अपनी वर्दी से गेट खुलवाकर और निकल जाऊंगा तो फिर तो जो पीछे हैं लोग वो भी कुछ करेंगे ये मैं ये मिसाल नहीं उन, कर, तो उन्होंने गेट बंद करवा दिया और जब गाड़ी गुजर गई तब वो वहां से गुजरे ये है उनकी जिंदगी का पहलू के कानून जो है मुल्क का जो कानून है हालांकि वो क्या कानून है एक गेट ही खोलना बंद करना लेकिन वो भी कानून है जो गेट कीपर को एक महकमा रेलवे ने एक रेगुलेशन दी हुई है कि आपने गाड़ी के आने से पांच या दस मिनट पहले गेट बंद कर देना है ये कर तो वो गवर्नर जनरल होकर उन्होंने इतने छोटे से जो कानून है उनको भी तोड़ना वो नहीं होने किया और ये है वो डिसिप्लिन इसे हम डिसिप्लिन भी कहते हैं और इसे एक और भी उनकी ऐसी मिसाल है कि वो जब बीमार थे जियारत में जियारत में जब बीमार थे तो उस वक्त एक नर्स थी जो उनकी खिदमत मतलब के उनकी केयर करती थी ठीक है वो यहां पंजाब की रहने वाली थी तो कह गवर्नर जनरल थे तो उस नर्स ने आ, 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 जो कि उनकी बड़ी खिदमत करती थी तो एक दिन उन्होंने उस नर्स को कहा कि आ, 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 बेटी आपने मेरी बड़ी खिदमत कर रही हो ये बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ हाँ जी मेरी कुछ तो उसने कहा जी कि आप इतनी मेहरबानी करें मैं पंजाब की रहने वाली हूँ तो आप आ, मेरी ट्रांसफ़र करवा दें बलोचित शाहर से हाँ जी मेरी ट्रांसफ़र करवा दें हाँ कैद आजम तो ने कहा उन्होंने कहा कि बेटी सॉरी ये मैं नहीं कर सकता ये मेरे मेरे इख्तियार में नहीं है हालांकि वो तो अगर इश, करते इशारा तो पूरी हुकूमत ही की उधर हो जाती थी लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं एक नर्स की ट्रांसफर भी जो है वो अगर मैंने अपनी इस दखल दाज दी ये जो महकमात है ये उसका एक तरीके है कि अपने उनको वो कैसे ट्रांसफर करते हैं परसेंट ट्रांसफर कैसे कर, 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 करते हैं मैं उसमें कभी दखल दादी नहीं दूंगा तो ये है मुल्क के कानून के मुतल उनका यह नजरिया के कानून की कैसे रखवाली करनी है और कानून को कैसे फॉलो करना है हम तो आप देखें खुदा यानी बड़ी शर्म आती है हमें हम जब अपने किरदार को देखते हैं अपने करेक्टर को देखते हैं हम तो आ, लाइट सुर्ख होती है हम इतना इंतजार नहीं करते कि वो ग्रीन हो जाए पंद्रह सेकंड के बाद उसने ग्रीन हो जाना है हमारा आ, जा, आ जाने लेकिन हमारी क्या हैसियत है और क्या जाद की हैसियत देखें इतने बड़े गवर्नर जनरल होकर उन्होंने कहा कि नहीं जब फाटा खुलेगा फिर मैं जाऊंगा हम क्या करते हैं हम तो चंद सेकंड इंतजार नहीं कर सकते और तो ये है उनकी जिंदगी का ये पहलू डिसिप्लिन कानून की हुक्मरानी कानून को फॉलो करना और अपनी जिंदगी के अंदर डिसिप्लिन रखना यह उनकी जिंदगी का और उनकी तालीबात का वो पहलू है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है अगर हम बैसीत कौन अगर उनके जिंदगी के इसी खसूसियत को उनके जिंदगी के इसी यहीं से रोशनी ले लें और अपने अंदर कानून पारदर्शी और डिसिप्लिन अपने अंदर कैम कर लें तो हम दुनिया की अजीम कौम बन सकते बिल्कुल सर जैसे डिसिप्लिन अपने अंदर पैदा कर लें तो हम दुनिया की एक अजीम कौम बन सकते हैं सर मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि आज के नौजवान को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे देखिए मुझे बड़ी खुशी है कि आज का जो नौजवान है उसने कल को इसी मुल्क का रहनमा बनना है चाहे आप डॉक्टर बने चाहे आप इंजीनियर बने चाहे आप आईटी एक्सपर्ट बने चाहे आप वकील बने चाहे आप प्रोफेसर बने आप जज बने आप कानूनदान बने आप इंडस्ट्रियलिस्ट बने जिंदगी के जिस शोबे में भी आपने जाना है आपने इस कौम का रहनुमा बनना है आपके पास इख्तियार आना है आपने ही फिर फैसले करने हैं तो आज के नौजवान के लिए मैं ये कहूँगा कि मेरे मुल्क के नौजवानों ये जो अल्लाह ताला ने ये जो हमें मुल्क दिया है ये इतनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला का इतना बड़ा ये अतिया है कि आप इसकी हिस्ट्री पढ़ें आप तहरीक पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ें कि कितने लाख लोग जो हैं उनको इस इस वतन के हासिल करने के लिए अपने घर बार छोड़ने पड़े कितने लाख लोगों ने अपनी जिंदगियां कुर्बान की इस मुल्क के लिए और कितने ही हमारे हमारी बेटियों ने कितनी कितनी की हमने कुर्बानी दी यह मुल्क हासिल करने के लिए खून के एक दरिया से गुजरकर लोग आए तकरीबन एक करोड़ लोग जिन्होंने हिजरत की और दस लाख के करीब मुसलमान जो हैं उन्होंने शहादत अपनी जानों का नजराना पेश किया और 50 से साठ हजार हमारी बहनें और बेटियां जो हैं उन्होंने अपनी दी ये वो मुल्क है जो इतनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया और फिर यह वो मुल्क है मैंने पूरी दुनिया देखी है मैंने अमेरिका देखा है मैंने यूरोप फिरा हूं मैं मिडल ईस्ट देखा है मैंने मैं बतौर एक इंजीनियर मैं आपको यह पैगाम देना चाहता हूं कि ये अल्लाह ताला का एक बहुत अजीम अतिया है ये एक नेमत है इस मुल्क की जब आप आप इस मुल्क की खिदत के लिए जब आप आएंगे तो आप मेहनत करें अपने अंदर कैद आजम रहमत की जिंदगी का ये जो डिसिप्लिन का जो पहलू है आप जिस इंस्टीट्यूशन में जिस इदारे में आप आई एच पी के में आप कर रहे हैं तालीम हासिल कर रहे हैं आपको अपनी जिंदगी के अंदर इस इदारे के डिसिप्लिन का जब तक आप पाबंद नहीं होंगे आप कभी एक आला स्टूडेंट नहीं बन सकेंगे जब तक आप अपने मां बाप के फर्मा बरदार और उनके ताबे फरमान नहीं होंगे जब तक आप इस डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे जब तक आप अपने मां बाप के डिसिप्लिन में नहीं होंगे आप आईएसपी के डिसिप्लिन में नहीं होंगे आप कभी आला मकाम नहीं हासिल कर सकते आप कभी आला इंजीनियर नहीं बन सकते आप कभी आला डॉक्टर नहीं बन सकते आप कुछ भी नहीं बन सकेंगे तो अपनी जिंदगी के अंदर डिसिप्लिन जो है सबसे पहले घर पर मां बाप का डिसिप्लिन और उसके बाद उस इदारे का डिसिप्लिन जिस इदारे में आप तालीम हासिल कर रहे हैं जब तक उसका डिसिप्लिन नहीं करेंगे और मेहनत नहीं करेंगे अपने का डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे और मेहनत नहीं करेंगे आप कभी कैद आजम और अलामा इकबाल आप नहीं बढ़ सकेंगे उनके मकाम पर कभी भी नहीं पहुंच सकेंगे खैर वो तो बहुत ऊंचा मुकाम है आप एक अच्छे इंजीनियर नहीं बन सकेंगे अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकेंगे आपने इस मुल्क की बागडोर संभालनी है आपने डॉक्टर इंजीनियर वकील कानूनदान जज बनकर इस मुल्क की किस्मत आपके हाथ में आनी है तो जब तक आप, आप काबिलियत नहीं होगी जब तक आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा जब तक एक अपने पेशे में जिस पेशे में भी आओगे काबिलियत तक नहीं पहुंचेंगे, आप इस मुल्क और कौम को आगे नहीं लेकर जा सकेंगे तो ये मेरा बिल्कुल सर जब तक हम आगे आगे अपनी आ, किसी भी शोबे में, में मुकम्मल काबिलियत हासिल नहीं करते हम अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकते सर बहुत अच्छी बात है आपने कही यकीनन ये हमारे लिए मशे रहा है क़ायदे अजम मोहम्मद जना ने उन्नीस सौ अड़तालीस ढहा में नौजवानों से ख़ब करते हुए फरमाया कि ये नौजवानों मेरी तो तुम से है जब मैं तुमको देखता हूँ तो तुम मुझे हकीकी पासबान लगती हो दूसरों के कारफरमा ना बनो बल्कि अपने अंदर एक ऐसी हिम्मत पैदा करो ताकि एक ऐसी हिम्मत पैदा करो कि आप एक मसाल पेश कर सको कि हम नौजवान भी हैं कायद अजम ने जो हमें रहनमा असूल दिए हैं हम इन पर अमल पैरा होकर मुल्क पाकिस्तान को तरक्की पजीर ममालक की सफ़ से निकाल कर तरक् याफ्तः ममालक की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं अल्लाह ताली हमें अमल की तोफ़ीक ताफरमाए आई एस पी मन से आज के प्रोग्राम से फैज़ को इजाजत दीजिए इन शाला अगली किसी स्पेशल ट्रांसमिशन में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे पाकिस्तान जिंदाबाद आई एस पी पाइंदाबाद OSP Munch. You de Hamiazadiki Duniahui Hedan. Akai de Azam Tirai, his son, his son. You de Hamiazadiki Duniahui Hedan. Muslims desire freedom more than anyone else because love for freedom, fraternity, and liberty is the lifeblood Blood. of their existence.